हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज द कंप्लीट कोर्स ऑन एएमवी कोर डेटा। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एएमवी कोर डेटा। जो जनरल कैरेक्टर्स हैं एएमवी कोर डेटा ग्रुप के, उसकी हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो सबसे पहले बात आती है, द बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज लॉन्ग एंड वॉर्म लाइक। ये क्या होते हैं? ट्यूबुलर बॉडी होती है इनकी, वॉर्म लाइक होते हैं एंड लॉन्ग होते हैं। दीज आर मरीन एनिमल्स, ये क्या होते हैं? समुद्री एनिमल हैं। दे मेक बरोज इन द कोस्टल सैंडी सोर्स, जो कोस्टल तटीय एरिया होते हैं वहाँ पर ये सुरंग बनाकर रहते हैं। देयर बॉडी इज डिविजिबल इंटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तीन पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। प्रोबोसिस होता है जो सबसे एंटीरियर पार्ट होता है, मिडिल का पार्ट होता है उसे कॉलर कहते हैं, एंड जो सबसे लास्ट पार्ट होता है उसे हम ट्रंक कहते हैं या पोस्टेरियर पार्ट भी कह सकते हैं। दे एमिट स्ट्रॉन्ग आइडोफॉर्म स्मेल, एक गंधहीन स्मेल ये छोड़ते हैं, मतलब इमिट करते हैं। देयर बॉडी कवर्ड बाई सीलिएटेड एपिडर्मिस, इनकी जो बॉडी होती है सीलिएटेड एपिडर्मिस से ढकी होती है या कवर्ड हुई होती है। देयर बॉडी वॉल इज मस्कुलर, इनकी जो बॉडी वॉल होती है मस्कुलर होते हैं, मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं उसमें, और बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर होते हैं ये। देयर सीलोम इज डिवाइडेड इंटू फाइव कैविटीज, वन इन द प्रोबोसिस, एक पार्ट कहाँ होता है? प्रोबोसिस में होता है, टू इन द कॉलर एंड टू इन द ट्रंक रीजन। तो फाइव कैविटी होती हैं, पाँच कैविटीज होती हैं इसमें सीलोम की, जिसमें सबसे पहली कैविटी कहाँ होती है? प्रोबोसिस में होती है, दो कॉलर रीजन में ही होती हैं या मिडिल रीजन में होती हैं, और दो ट्रंक रीजन में होती हैं या पोस्टीरियर रीजन पे होती हैं। इन द प्रोबोसिस बक्कल डाइवर्टिकुलम इज प्रेजेंट, इसमें क्या बक्कल डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है, जो कि एक एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। इट इज कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, ये एक जैसे हम नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो ये इसे क्या कहा जाता है? स्टोमोकॉर्ड भी हम इसे कहते हैं। इट इज कंपेरेबल टू नोटोकॉर्ड, ये कंपेयर किया जा सकता है इसे नोटोकॉर्ड से। इन दीज एनिमल सिक्रीट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर अब्सेंट, इसमें क्या होते हैं? जो जैसे ह्यूमन बींग्स में किडनी पाई जाती है, अदर एनिमल में कई सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन इसमें कोई भी स्पेशली ऑर्गन नहीं होता है। प्रोबोसिस एरिया जो सबसे इंटीरियर एरिया होता है उसमें ग्लोमेरुलस पाया जाता है, उसी में एक्सक्रीशन होता है। इट विल हेल्प इन द एक्सक्रीशन, ये जो ग्लोमेरुलस होता है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, द एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग, इसमें क्या जो एलिमेंट्री कैनाल होती है लॉन्ग होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम एक्सटेंशन देखें तो माउथ से लेकर एनस तक होता है। इट स्टार्ट विद माउथ एंड एंड्स विद एनस, मतलब इसका एलिमेंट्री कैनाल का एक्सटेंशन है माउथ से लेकर एनस तक। फायरिंग्स इज यूजफुल फॉर फूड कलेक्शन एंड रेस्पायरेशन, जो फायरिंग्स होती हैं वो फूड कलेक्शन में भी वर्क करती हैं और रेस्पायरेशन में भी वर्क करती हैं। दीज आर फिल्टर फीडर्स, ये फिल्टर फीडर्स हैं होते हैं, एक यू लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यू सुरंग बनाते हैं, उसी में ये एक कॉर्नर पे रहते हैं और दूसरे कॉर्नर से क्या वाटर की जो वाटर का फ्लो होता है उसी के साथ न्यूट्रिएंट्स आते हैं और ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू द फायरिंग्स। ऑन द लेटरल साइड्स फायरिंग्स गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, इसमें क्या होती हैं? फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, जो एक कॉर्डेटा कॉर्डेट्स का एक कैरेक्टर है, बहुत बड़ा कैरेक्टर है कॉर्डेट का, जिसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, फेरिंग गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम रिजेंबल्स, जैसे एनिलिड्स में होता है, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है जैसे एनिलिडा या अर्थवर्म की बात करें, फ्रेटिमा पोस्टमा की बात करें तो उससे रिजेंबल करता है। हार्ट एंड पेरिकार्डियम आर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ? प्रोबोसिस में, प्रोबोसिस में हार्ट एंड पेरिकार्डियम प्रेजेंट
प्रेजेंट होते हैं। इन सभी की चीज़ों की हम बात करेंगे जब इसका डिटेल्ड हम जैसे सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन का डिटेल एक लेक्चर होगा, उसमें हम सर्कुलेशन की बात करेंगे, न्यूट्रिशन की या एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे डाइजेशन वाले में, फिर नर्वस सिस्टम की अलग हम बात करेंगे, उसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो हर एक इसका जो कैरेक्टर है उसके हम अलग अलग बात करेंगे, रेस्पायरेशन की अलग बात करेंगे, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हर एक अलग पर्टिकुलर क्या सेपरेट एक लेक्चर होगा, उसमें हम बात करेंगे, डिटेल्ड कोर्स होंगे। ओके, द हार्ट एंड पेरिकार्डियम आर प्रेजेंट इन द प्रोबोसिस, इन द कॉलर लेटरल ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, जो कॉलर रीजन होता है या मिडिल रीजन होता है उसमें लेटरल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। नर्वस सिस्टम इंक्लूड डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है, इसमें डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती हैं, सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती हैं, दो तरह की नर्व कॉर्ड होती हैं इसमें, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती हैं इसमें। दीज एनिमल विल नॉट शो ब्रेन एंड क्रेनियम, इनके पास ब्रेन एंड क्रेनियम नहीं होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक्रेनिएटा कहते हैं, एक्रेनिएटा कहते हैं इसे। दीज आर द यूनिसेक्सुअल एनिमल, गोनट्स विल गिव गोनोडक्ट्स, गोनोडक्ट्स डक्ट्स होते हैं इसमें, यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनके सेक्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है इसमें, हम क्लीवेज की भी बात करेंगे, जो रिप्रोडक्टिव वाला इनका रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर होगा, जो लेक्चर होगा, उसमें हम क्लीवेज कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है एंड पूरी लाइफ साइकिल की हम बात करेंगे इसमें। इन द लाइफ हिस्ट्री अ लार्वल फॉर्म आज सीन, जैसे टॉर्नेरिया लार्वा इसमें पाया जाता है, तो इसके कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हमने बात करी प्रोबोसिस होता है, कॉलर होता है, प्रोबोसिस कॉलर एंड ये जो ट्रंक है, ये ट्रंक पार्ट हो गया, ये कॉलर हो गया, ये प्रोबोसिस हो गया, तीन पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ये एनल एरिया होता है जो इनका एलिमेंट्री कैनाल होती है, माउथ से शुरुआत होती है इसकी, माउथ से एक्सटेंड होता है और यहाँ से एनस पे खत्म होता है एलिमेंट्री कैनाल। ओके, ये हेपेटिक रीजन होता है, ये जेनाइटल रीजन होता है, यहाँ जेनाइटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं एंड ये ब्रैंकियो जेनाइटल रीजन होता है, यहाँ पर फेरिंग्स पाई जाती हैं, ये एनस है जहाँ से एक्सक्रीशन होता है, ये कॉलर रीजन है एंड प्रोबोसिस है, इसमें भी हार्ट एंड पेरिकार्डियम पाया जाता है। ये जैसे मेजर जीनस है हेमिकॉर्डेटा का, बेलेनोग्लोसस की, इसी के बारे में हम बात करेंगे, हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल सबसे मेजर यही है, तो इसी के बारे में हम पूरे हेमिकॉर्डेटा को देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।